वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड देखिए, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा पार्ट टू, चैप्टर सिक्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। और आगे जाने से पहले देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को, सब्सक्राइब करें, लाइक करते रहें वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हम कम्प्लीट कर चुके हैं। देखिए, इंडस्ट्रीज जो मिनरल्स और मेटल्स पे डिपेंड करती है कम्प्लीटली, ओके, एज ए रॉ मटेरियल, उनको हम बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहली इंडस्ट्री हमारे पास आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में। देखिए, ये एक बहुत ही बेसिक इंडस्ट्री है, बिकॉज इसके अंदर हर प्रकार की इंडस्ट्री डिपेंड करती है, हैवी, मीडियम, लाइट, सब मशीनरी हमें आयरन और स्टील से मिलेगी। ठीक है, स्टील को यूज किया जाता है इंजीनियरिंग गुड्स बनाने में, कंस्ट्रक्शन है, डिफेंस है, टेलीफोनिक एक्सेट्रा, वेराइटी ऑफ चीजों में हम स्टील को यूज करते हैं बनाने के लिए। ठीक है, उन चीजों को। सो देखिए, जो प्रोडक्शन है और कंजप्शन है स्टील का, वो कंट्री की डेवलपमेंट बताता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसका प्रोडक्शन कंट्री की डेवलपमेंट दिखाता है, दैट इज प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील। ठीक है, स्टील से पता लगता है हमें। सो ये हैवी इंडस्ट्री में आएगा, बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी बनती है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर बोल रहे हैं कि आयरन और कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो, इनकी रेशियो होती है 4:1। ठीक है, इसको बनाने में, स्टील को बनाने में 4:1 की रेशियो यूज होती है आयरन, कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन की। सो लेट्स सी, आज के टाइम पर लगभग 3,28,00,000 टन स्टील प्रोडक्शन कर देता है इंडिया, और इंडिया 9th रैंक पे है। कौन सी रैंक है इंडिया की, इसमें 9th रैंक। देखिए, अभी तक हम अभी देख रहे थे एग्रो बेस्ड में इंडिया 2nd पे है, किसी में 1st पर है, ज्यादा से ज्यादा 3rd पे होगा। लेकिन अगर बात आती है मिनरल बेस्ड में आयरन स्टील पे, जो कि एक बैकबोन है इंडिया किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए, उसमें हम 9th पे है, तो इसलिए हमें काफी कुछ इंप्रूव करना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है स्पॉन्ज आयरन का। ठीक है भाई, स्पॉन्ज आयरन का क्या है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ओके, आगे देखिए, यहां पर पूछा है व्हाई इज द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील सो लो इन इंडिया। ये बोल रहे हैं कि इंडिया में प्रति व्यक्ति जो स्टील की उपयोगिता है, जो स्टील का यूज है, वो कम क्यों है। ठीक है, प्रेजेंटली देखिए, आज के टाइम पर 10 प्राइमरी और मिनी स्टील, बहुत सारे मिनी स्टील प्लांट है, 10 प्राइमरी प्लांट है बड़े बड़े, और कुछ मिनी प्लांट आपको मिल जाएंगे। मिनी स्टील प्लांट होते हैं छोटे, और इलेक्ट्रिक फर्नेस वगैरह ये हमारा यूज वगैरह करते हैं, और छोटे छोटे हमारे एलॉय स्टील ये बना लेते हैं, जो हमारे जैसे पेच वगैरह हो गए, इस टाइप की चीजें बना लेते हैं। आगे देखते हैं, ऑल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील थ्रू सेल। देखिए, यहाँ पर याद करिएगा, जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वो सेल के थ्रू अपना प्रोडक्शन करते हैं, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइल टिस्को मार्केट इट्स प्रोड्यूस थ्रू टाटा स्टील, और टिस्को है टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, इस प्रकार से इसका डेफिनेशन है, और ये प्रोड्यूस करते हैं टाटा स्टील, इनके स्टील पर लिखा मिलेगा आपको टाटा स्टील। ठीक है, 1950s में देखिए, चाइना और इंडिया सेम अमाउंट का स्टील बनाते थे, लेकिन आज चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, चाइना वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कंज्यूमर भी है, बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया था कि जितना ज्यादा स्टील किसी देश में यूज हो रहा है, उससे उस देश की क्या दिखती है, डेवलपमेंट, तो इसलिए ज्यादा कंज्यूमर भी होना पड़ेगा उस देश को बनाने के साथ साथ। इंडिया देखिए, 2004 में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था स्टील का, लगभग 2.25% ऑफ ग्लोबल स्टील ट्रेड, यानी दुनिया का 2.25% हम ग्लोबल सी जो स्टील ट्रेड है वो हम ट्रेड एक्सपोर्ट कर रहे थे। अभी मिलता क्या है हमारा मोस्टली, ये देखिए, छोटा नागपुर प्लेटू के रीजन में हमें मिलता है, जहां पर आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज की ज्यादा कंसेंट्रेशन है। बिकॉज रीजन क्या है वहां पर बनाने का, देखिए बहुत सारे फैक्टर हैं, उनमें से पहला है कि वहां पर लो कॉस्ट आयरन और मिल जाएगा, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल अच्छा है, चीप लेबर है, एंड बहुत सारा ग्रोथ पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ मार्केट, मार्केट अच्छा है इसीलिए। अभी देखिए, इंडिया को बहुत कुछ करना पड़ेगा आयरन और स्टील की प्रोड्यूस करने के लिए, हम अभी भी पूरी पोटेंशियल पर नहीं आए हैं अभी। ठीक है, रीजन बिकॉज इसमें बनाने में लिमिटेड अवेलेबिलिटी हमारे पास कोयले की, ठीक है, कोयला जो है वो लिमिटेड अवेलेबिलिटी में है, लेबर की जो प्रोडक्टिविटी वो अभी कम है, लेबर की प्रोडक्टिविटी क्या है अभी कम, एनर्जी सप्लाई बिजली वगैरह है वो थोड़ा सा बाधित रहती है, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी अभी बिल्डिंग्स ये इंडस्ट्रीज नहीं है। ओके, आगे देखते हैं, लिबरलिज्म अभी सरकार ने किया क्या है, दो चीजें अप्लाई की है, लिबरलिज्म यानी सभी कंपनीज को अलाउड करते हैं आना, एंड FDI इज फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्होंने इन इंडस्ट्री में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को आने के लिए अलाउड किया है। पहले सब कुछ पब्लिक होता था, अब धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, और जहां पर प्राइवेट कंपनी होगी वहां पर क्या होगा, कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन होगा और अच्छे मटेरियल हमें मिलते हैं। अगली इंडस्ट्री है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, नेक्स्ट है आयरन के बाद एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। देखिए, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इंडिया में आयरन और स्टील के बाद।
आयरन एंड स्टील के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, बिकॉज रीजन है ये बहुत ही हल्का होता है, कोरोजन जर नहीं लगेगा इसको, गुड कंडक्टर है, मेलियबल है, स्ट्रॉन्ग है, इजीलिए इसको यूज कर सकते हैं एयरक्राफ्ट में, यूटेंसिल और वायर्स में, और ये एक सब्स्टिट्यूट है स्टील के लिए, कॉपर जिंक इन सबका एक सब्स्टिट्यूट है जो हम बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। अभी देखिए आयरन की कितनी इंडस्ट्री थी 10 और इसकी कितनी है 8, जो कि हमारे ईस्टर्न पार्ट में है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरल साउथ में है, छत्तीसगढ़ ईस्ट में हो गया, उत्तर प्रदेश हमारा सेंटर में, यहाँ पर ये लोकेटेड है। ओके, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु भी यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखते हैं ये मिलता कहाँ से, इंपॉर्टेंट बात है, ये मिलता है भाई बॉक्साइट से, बॉक्साइट ये इसका रॉ मटेरियल होता है जिसको स्मेल्ट करके हमें ये एल्यूमिनियम मिल जाता है। ओके, इसके लिए देखिए जरूरी चीजें क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी लगातार रहे और रॉ मटेरियल का सोर्स लगातार आए मिनिमम कॉस्ट पे, ये ना हो कि हमें बॉक्साइट ही बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा है तो हम एल्यूमिनियम देखिए नहीं बना पाएंगे। आप देख सकते हैं 4 से 6 टन अगर हम बॉक्साइट लेकर आए हैं उसमें से हमें मिलेगा 2 टन एल्यूमिना, एल्यूमिनियम नहीं एल्यूमिना, और इस 2 टन में से हमें मिलेगा 1 टन एल्यूमिनियम, तो देख सकते हैं आप कितनी गंदगी इसमें से निकाल दी गई है, कितना कम ये एल्यूमिनियम बचा है यहाँ से 4 6 6 टन में। ठीक है, अगली इंडस्ट्री जो मिनरल बेस्ड है वो है केमिकल इंडस्ट्रीज, कुछ फैक्ट्रीज होती हैं जो केमिकल बनाती है हमारे फर्टिलाइजर वगैरह है। सो देखिए ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग है बिकॉज धीरे धीरे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो रही है और 3% तक ये GDP में कंट्रीब्यूट भी करता है। ये थर्ड लार्जेस्ट है एशिया के अंदर, ऑक्यूपाइज 12th इन द वर्ल्ड। इंडिया देखिए केमिकल फैक्ट्रीज के मामले में एशिया में थर्ड है और 12th आता है हमारे पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अब यहाँ पर हम किस प्रकार के केमिकल है और इनऑर्गेनिक केमिकल में जैसे हमारे पास है फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक्स, एडेसिव, पेंट एक्सेट्रा एंड बहुत सारी चीजें, सोप है, डिटर्जेंट एक्सेट्रा बनते हैं और पूरी दुनिया, पूरे इंडिया में फैक्ट्रीज फैली हुई हैं। आप जानते हैं कितने प्रकार के साबुन हमारे आते हैं, वेरियस प्रोडक्ट हमारे यहाँ आते हैं। अगले हैं ऑर्गेनिक केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल देखिए इनके अंदर होता है पेट्रोकेमिकल जो हमें सिंथेटिक फाइबर है, प्लास्टिक है, फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, ड्रग्स वगैरह, दवाई वगैरह बनाने में यूज इनका किया जाता है। आगे देखिए केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर, देखिए केमिकल इंडस्ट्री खुद का ही बहुत बड़ा लार्जेस्ट कंज्यूमर है बिकॉज मार्केट काफी बड़ा है इंडिया में। ठीक है, और खुद के ही केमिकल यूज करके और चीजें बनाने में उपयोग करते हैं, अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर में यूज करना, कंज्यूमर मार्केट में इसको यूज करना। तो ये था हमारा केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है देखिए हमारा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर आप जानते हैं क्या होता है, फर्टिलाइजर में NPK यानी नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड पोटैश यानी K, ठीक है, ये नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर इनको कहा जाता है जिनके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा होती है, DAP भी बोलते हैं आप, DAP खाद वगैरह सुनने को मिलेगा। द थर्ड पोटैश, अब ये जो NPK है यानी नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड पोटैश, इनमें से जो तीसरा है जिसका नाम है पोटैश इज इंपोर्टेड एज कंट्री डज नॉट हैव एनी रिजर्व ऑफ कॉमर्शियली यूजेबल पोटैश एंड पोटेशियम कंपाउंड इन एनी फॉर्म। देखिए इंटरेस्टिंग बात है, जो पोटैश है लास्ट का जो कंपाउंड था वो हमें कंप्लीटली इंपोर्ट करना पड़ता है दुनिया से बिकॉज हमारे पास कोई भी यूजेबल फॉर्म नहीं है इसकी। अब इंडिया में 57 फर्टिलाइजर यूनिट है जो नाइट्रोजीनियस और अदर फर्टिलाइजर बनाती है, 29 यूरिया की फैक्ट्री है, 9 एमोनियम फसल्फेट की फैक्ट्री है और छोटी छोटी फैक्ट्रीज भी काफी सारी हैं। और ये लोकेटेड कहाँ पर है, ये देखिए हजीरा गुजरात के अंदर, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI के अंडर ये आती है, एक होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को बढ़ावा किसने दिया, देखिए फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा दिया ग्रीन रिवॉल्यूशन ने, किसने भाई, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल एक्सेट्रा, यहाँ पे क्रॉप्स की फसल बढ़ती है तो फर्टिलाइजर का उपयोग होगा और इस प्रकार से ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी डेवलप कर गई। अगली इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्री है मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री यही है इंडिया को डेवलप करने के लिए, दैट इज सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन में यूज होगी, हमारी बिल्डिंग है, फैक्ट्री, ब्रिज, एयरपोर्ट, डैम, सब कुछ हर जगह पर आपको ये यूज होगा। और इसके रॉ मटेरियल देखिए लाइमस्टोन है, सिलिका है, एल्यूमिना एंड जिप्सम, ये याद रखिएगा एल्यूमिना एंड जिप्सम ये यूज होते हैं। एल्यूमिना आपको पता है बॉक्साइट से मिला था एल्यूमिना, और इसको चलाने के लिए कोयला और इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत पड़ती है, सो दैट रेल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ इन चीजों की भी इसको जरूरत पड़ेगी, सो दैट सप्लाई मेंटेन रहे मार्केट में। द इंडस्ट्री इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, कहां पर लोकेटेड है, गुजरात में, बिकॉज गल्फ कंट्रीज में पहुंचाना है हमें इसको, कहां पर पहुंचाना है भाई, गल्फ कंट्रीज में इसको पहुंचाना है, इसलिए कहां पर ये लोकेटेड है, कहां पर लोकेटेड है भाई, ये लोकेटेड है गुजरात के अंदर। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहला जो सीमेंट फैक्ट्री है चेन्नई में आया 1904 में, अभी हमने देखा था कॉटन आया था 1854 में, 59 में जूट का था, सीमेंट कब आया भाई चेन्नई में 1904 में आया था। और इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, इंडस्ट्री बढ़ती गई, प्राइस वगैरह 1989 के बाद डीकंट्रोल होते गए और पॉलिसी रिफॉर्म वगैरह किए गए सरकार के द्वारा। आज के टाइम पर 128 बड़े बड़े प्लांट्स हैं जो सीमेंट बनाते हैं इंडिया में और 332 मिनी सीमेंट प्लांट्स हैं, ठीक है,
और अवेलेबल मार्केट कहाँ पर हमारे लिए, ईस्ट एशिया है, मिडिल ईस्ट है, अफ्रीका है, यहाँ पर हम अपनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं सीमेंट को अगर हम थोड़ा सा अधिक मात्रा में इसको बनाएं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट्री है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखते हैं, यहाँ पर देखिए व्हीकल्स वगैरह वो बनाया जाता है जो हमें ट्रांसपोर्ट में सर्विस और पैसेंजर की सर्विस को प्रोवाइड करवाता है, जैसे ट्रक है, बसेस है, कार, थ्री व्हीलर एक्सेट्रा टाइप की व्हीकल्स बनाने की इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, अब इसकी मार्केट भी काफी अच्छी है, यहाँ पर लगभग 15 साल में व्हीकल्स में जंप देखने को मिला है। और आज के टाइम पर ये जो वायरस चल रहा है तो अभी ज्यादा व्हीकल्स की डिमांड आ जाएगी आगे, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग इतना पसंद नहीं करेंगे जाना। आज के टाइम पर लगभग 15 मैन्युफैक्चर है पैसेंजर कार के और 9 है कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए, जो हमारे 2 या 3 व्हीलर, 14 इंडस्ट्रीज हैं थ्री व्हीलर की। और मोस्टली ये इंडस्ट्री लोकेटेड कहाँ है, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, जमशेदपुर, हैदराबाद एंड बैंगलोर, लखनऊ। सो यहाँ पर ही हमारी इंडस्ट्रीज क्या है, लोकेटेड है। अगला है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की डेवलपमेंट के लिए। देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे मटेरियल हैं, जैसे टेलीविजन है, टेलीफोन है, सेलुलर टेलीग्राम, पेजर, टेलीफोन, रडार एक्सेट्रा। बैंगलोर सबसे बड़ा एक इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है, देखिए वैसा कैपिटल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है ये, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल हम इसको बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर IT आपको देखने को मिलेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर है मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोयम्बटूर, लखनऊ एक्सेट्रा। हमारे पास कुल मिला के देखिए 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे देखिए लगभग एम्प्लॉयड हैं 10 लाख यहाँ पर लोग एम्प्लॉयड हैं। एंड यस 30% ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन सेक्टर आर वीमेन। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें से 30% वीमेन है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए। और ये कुछ हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, जैसे फॉरेन कंपनी आई है तो हम ये जो हमारा कस्टमर केयर की सर्विस होती है इसको भी प्रोवाइड करते हैं, इसको बोला जाता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, इसकी ग्रोथ हो रही है, इसलिए IT और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सॉफ्टवेयर वगैरह का कंपनी है ये इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। अभी बात आती है, हमने टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज पढ़ लिया, अब बात आती है इंडस्ट्रियल के द्वारा पोल्यूशन किए जाना और एनवायरनमेंट को खराब करना। अब जानते हैं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ साथ पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, ओके, और उसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते। हमारे पास देखिए 4 टाइप का पोल्यूशन होता है, जो कि है हमारे पास एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइस। ठीक है, इनमें से एयर कॉज होता है जब हाई हार्मफुल गैसेज, हाई अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा आर रिलीज्ड इन एयर, उनको हवा में छोड़ दिया जाए, उनके साथ डस्ट है, स्प्रे मिस्ट है, स्मोक भी आ जाए, तो ये हमारा एयर पोल्यूशन कर देते हैं। ये बनती कैसे है, देखिए रिफाइनरी में जो केमिकल वगैरह फैक्ट्री होती है वहाँ पर फॉसिल फ्यूल को जलाने की वजह से, और ये छोटी छोटी फैक्ट्री है ये पोल्यूशन को बिल्कुल इग्नोर करती रहती है। अब कई बार टॉक्सिक गैस भी लीक हो जाती है, जैसे विशाखापट्टनम में हुआ था तो टॉक्सिक गैस का लीक हो जाना भोपाल गैस ट्रेजेडी है, तो ये हमारा एयर पोल्यूशन करती है। नेक्स्ट इज वाटर, देखिए ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट जो निकलता है वो पानी में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके मेन कल्प्रिट है पेपर इंडस्ट्री, पल्प है, केमिकल इंडस्ट्री, डाइंग, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, इनकी वजह से क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें पानी में मिल जाती हैं। एंड यस ये स्लैग बन के क्या होता है कि सॉलिड वेस्ट भी बन जाता है, इंडिया में सॉलिड वेस्ट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज थर्मल पोल्यूशन, थर्मल में देखिए जब हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन्ड इनटू रिवर एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग, वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, देखिए गर्म पानी जो फैक्ट्री से छोड़ दिया जाता है पानी के अंदर, और न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं जहाँ पे कैंसर वगैरह जिसकी वजह से हो सकता है पानी में, पानी को छोड़ने के लिए गर्म पानी जो है जिसके अंदर केमिकल है काफ़ी ज़्यादा, मिसकैरियज होना, बर्थ में डिफेक्ट होना, ये सब हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना होगा ये केमिकल वगैरह, सॉल्ट वगैरह, गार्बेज ना डाला जाए पानी के अंदर या सोइल के अंदर भी। नेक्स्ट इज नॉइज पॉल्यूशन, आप जानते हैं कई बार इरीटेशन होता है बहुत ज़्यादा जब आवाज़ सुन लेते हैं, इससे वजह से हार्ट रेट का इंक्रीज होना, BP बढ़ना, ठीक है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट इनके ऊपर पड़ते हैं, बिकॉज अनवॉन्टेड साउंड क्या है उससे आपके दिमाग पर भी प्रभाव पड़ेगा। एंड यस आप बहुत दुखी हो जाएंगे। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। अगला है कंट्रोल कैसे करें हम एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को, इसके लिए काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं कि भाई हम मिनिमाइज यूज़ करें पानी का, उसको रीयूज करते रहें, उसको रिसाइकिल करें सो दैट पानी कम वेस्ट हो। अगला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाएं, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम कर सकते हैं। अगला है जो हॉट पानी और जो गर्म पानी केमिकल के साथ मिला हुआ उसको हम पानी में छोड़ने की बजाय क्या कर सकते हैं, उसको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस से साफ कर सकते हैं उसको, उसके बाद सेकेंडरी प्रोसेस से, बायोलॉजिकल प्रोसेस से उसको साफ करें, फिर है टर्शरी, उसके बाद हम उसके ऊपर रिसाइकलिंग लगा सकते हैं, उसको वेस्ट वाटर को यूज करके फिर हम डाल सकते हैं सो दैट वो पानी के ऊपर ज़्यादा प्रभाव न डाले। अभी क्या है, कई बार क्या होता है ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा यूज कर लिया जाता है इंडस्ट्रीज के द्वारा, जो कि हमारे ग्राउंड वाटर पर थ्रेट डाल रहा है। ठीक है भाई, हमारे ग्राउंड वाटर पर थ्रेट डाल रहा है। अभी दूसरी बात है स्मोक के, ये स्टैक्स नहीं लगाते फैक्ट्रीज में जिसकी वजह से सारा पोल्यूशन क्या है हवा में चला जाता है, कोल फैक्ट्रीज है जैसे, और साइलेंसर भी लगा देना चाहिए सो दैट आवाज़ ना हो, नॉइस पोल्यूशन ना हो।
बिकॉज नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल होगा, ईयर प्लग्स, ईयरफोन एक्सेट्रा, सो दैट उनके कान खराब ना हो जो वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी चैलेंज क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने का, बड़ी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आज जो रिसोर्सेज हैं हमारे उनको हम यूज़ करें फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर चलना पड़ेगा। NTPC शोज द वे, लेट्स सी क्या बताया NTPC ने। सबसे पहले NTPC यहाँ पर क्या है कि बहुत बड़ा एक कॉरपोरेशन है इंडिया में जो पावर प्रोवाइड करता है, बिजली वगैरह का हमारा ये सिस्टम है। आगे देखिए, कॉरपोरेशन प्रोएक्टिव रहता है नेचुरल एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज को बचाने में भी, ऐसी बात नहीं है। इसने लेटेस्ट टेक्निक वगैरह यूज किया है, मिनिमाइज किया है वेस्ट जनरेशन को, ग्रीन बेल्ट वगैरह प्रोवाइड की है सो दैट पेड़ ज़्यादा उगाए जाएं आसपास फैक्ट्री के, एनवायरनमेंट पोल्यूशन को रिड्यूस किया है, ट्रीट करते हैं पानी वगैरह को अच्छे से और पोल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं करते। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, इनका डाटाबेस, इनका डाटा वगैरह मांगते रहते हैं कि कितना पोल्यूशन हुआ है, कहाँ पर मिसयूज हो रहा है इन चीज़ों का। सो यस, इन दिस वे देखिए आपका ये हमारा चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो कि क्लास 10th का जियो का 6th चैप्टर है, ये कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें अपने नियर डियर्स के साथ। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।